हेलो स्टूडेंट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के इस चैप्टर के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये एक का लास्ट सेशन है। ओके, सो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10th तक एंड किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ए, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल टू एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड द अदर एंगल। डिग्री, ओके। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखो दिया क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बन गया अपना सर्कल, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बन गया उसके अंदर क्वाड्रिलैटरल। इसको नाम भी दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, ऊपर से क्या दिया है, एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3। आप कोई भी ले सकते हो, ये ले लो 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन। ओके, तो हमें बी एंड सी निकालना है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखो, सबसे पहले गिवन लिखना सीखो। गिवन में क्या दिया है, गिवन दैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ओके, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ओके, अब ये पाई बाय 3 रेडियन कितना होता है, यहाँ पे एक रफली बता देता हूँ, पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, डिग्री के अंदर करना है ना, तो पाई 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये बात ध्यान में रखो, 60 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जो हमें लर्न होने चाहिए, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई 2, पाई 3, पाई 3, पाई बाय 2, लाइक दिस। क्या मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिख दूँ, तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखो, वी नो दैट, क्या पता है हमें, एक्चुअली आई नो दैट बट वी नो दैट अपोजिट, अदरवाइज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 180। ये सी डॉट क्यू क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब अपोजिट एंगल की सम कितनी आती है, 180। तो यहाँ पे बस अपोजिट एंगल्स की पेयर लिख दो, सबसे पहले क्या आएगी ए और सी, आई एम सॉरी वेयर इज डी एक्चुअली, ओके आई एम सो सॉरी फॉर दिस, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरी पेयर क्या आएगी, दूसरी पेयर आएगी बी एंड डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो जस्ट वैल्यूज पुट करो फास्ट, दबा दो, एंगल ए कितना है 40 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी कितना है पता नहीं, डी कितना है 60 डिग्री, 180 डिग्री, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 120, आई होप इतना तो आ रहा होगा। ठीक है, सो खत्म, आंसर में क्या लिखना है, आंसर हेंस एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, खत्म, इतना इजी। बस क्या पता होना चाहिए हमें,
प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12. वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर टू पाई बाय फाइव रेडियन एंड द मेजर ऑफ other three angles are in ratio (2:3:4). Okay, find their measure in degree and रेडियन. ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इस क्वेश्चन में क्या है, बस एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, तो यहाँ पे बस एक मैं क्वाड्रिलेटरल खींच देता हूं. इसका नाम है ए बी सी डी. ओके, तो वहां पे दे दिया है एक एंगल कितना है 2π/5 रेडियन एंड अदर एंगल्स आर इन रेशियो. ठीक है, तो लिखना कैसे है, सॉल्यूशन. सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन दैट इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 2π/5 रेडियन. ठीक है, अब ये डिग्री के अंदर कितना हो जाएगा, 2π/5 को 180/5 से मल्टीप्लाई करो. 5π गेट कैंसल, 5 1s 5, 5 3s 15, बचे 3 36, ये हो जाएगा 72 डिग्री. ओके, इजी जाएगा हमें, बाकी कुछ नहीं, इजी हो जाएगा. आगे देखो, अब एक बात तो हमें, हाँ, एंड एंगल बी रेशियो लिखना है ना, सी डी 2:3:4. ठीक है, ये हो गया. अब क्या करो, ये जो एंगल्स है उनको ना जरा x के फॉर्मेट में लिखो, दैट इज 2x, एंगल c इज इक्वल टू 3x, एंगल d इज इक्वल टू 4x. ये काम हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में किया है, सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, होप सो. अब एक बात पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कितनी होती हो, याद करो, 360 ना, 90 90 90 90. अब यहाँ पे मैंने 90 का बनाया, लेकिन वो 90 नहीं होगा. ठीक है, 360, तो बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. वैल्यूज क्या आएगी, एंगल ए कितना है 72 बाय डिफॉल्ट, एंगल बी क्या है 2x, सी क्या है 3x, डी क्या है 4x, इज इक्वल टू 360. ये एडिशन करो, 4 7 9, तो 72 डिग्री प्लस 9x इज इक्वल टू 360. ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू, ये 72 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 72 जाने के बाद 360 में से 72 गया, पहले 70 निकाल दो, 0, 36 में से ये 290 हो गया, और ऊपर से 2, ये 288 हो जाएगा, दैट इज 9x इज इक्वल टू 288 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन मार के, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 288 डिवाइडेड बाय 9 ना, 9 3 27, 32 डिग्री. ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 32 डिग्री. तो अदर एंगल क्या आएंगे, सो अदर एंगल मैं आगे फाइंड करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है,
हियर सबसे पहली बात एक्स कितना आया था 32 डिग्री, सो एंगल बी इज इक्वल टू 2x, इट विल बिकम 2 into 32, दैट इज कितना हो जाएगा ये 64। नेक्स्ट एंगल सी 3x, 3 into 32, दैट इज 96। एंगल डी इज इक्वल टू 4x, ओके दैट इज 4 into 32, दैट इज 128 डिग्री। ओके ये तो डिग्री के अंदर हो गया, लेकिन बताया क्या था रेडियन के अंदर भी निकालने, तो रेडियन के अंदर क्या हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 64 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा 64 पाई बाय 180 रेडियन। ऐसे ही रखो, बेस्ट वे इजी होता है। एंगल सी इज इक्वल टू 96 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये क्या हो जाएगा 96 पाई बाय 180 रेडियन। छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो। एंगल डी इज इक्वल टू 110 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये क्या हो जाएगा 128 पाई बाय 180 रेडियन। तो ये हो गया आंसर डिग्री के अंदर, और ये हो गया रेडियन के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा था सवाल एक्चुअली, वेरी इजी, कोई बात नहीं उसके अंदर नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 13 इज लेंथी क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर फर्स्ट वन पेंटागॉन, सेकेंड हेक्सागॉन, थर्ड सेप्टागॉन एंड फोर्थ वन लास्ट ऑक्टागॉन। ओके तो हमें ये जो चीजें है पेंटागॉन हेक्सागॉन सेप्टागॉन ऑक्टागॉन, इनके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पेंटागॉन से। ओके सवाल बहुत इजी है, आप देखते ही समझ जाओगे कि क्या करना है। ठीक है, पेंटागॉन को मैं एक तस्वीर बनाता हूँ पेंटागॉन की, ये रफ तस्वीर है। ठीक है, इसके फिगर के ऊपर मैं, ये रेगुलर है। ठीक है, ये ऐसे ही पेंटागॉन होता है ना, तो नाम दे देते ए बी सी डी एंड ई। ओके नाम दे दिया, अब हमें इसके इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे एक ट्रायंगल की होती है 180, क्वाड्रिलैटरल की होती है 360। ओके तो पेंटागॉन की क्या होती है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता हो, कोई डरने की जरूरत नहीं। पहली बात क्या करो, कोई दो पॉइंट्स को जोड़ दो, जोड़ दिए, अब यहाँ पे डिवाइड हो गई फिगर किसके अंदर, दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट है ट्रायंगल, दूसरा पार्ट है क्वाड्रिलैटरल। तो ट्रायंगल की सम कितनी आती है 180 और क्वाड्रिलैटरल की 360, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये एक इजी फॉर्मूला है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 540। ओके सो यहाँ पे क्या लिखना है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पेंटागॉन इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई भी एक एंगल निकाला सफिशियंट है, तो ये टोटल एंगल कितने, सपोज करो पहला एंगल है, मतलब ऐसे लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, टोटल कितना है 540। अब ईच एंगल को x कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 टाइम्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि x ही क्यों, x की जगह पर दूसरा क्यों नहीं ले सकते, बेटा ये रेगुलर पेंटागॉन है। ठीक है, रेगुलर पेंटागॉन है, तो रेगुलर पेंटागॉन में हर एक एंगल सेम होता है।
सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 540 डिवाइडेड बाय 5 तो हो जाएगा 108। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा 108 डिग्री। अब 108 डिग्री को, ये तो इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। 108 डिग्री को क्या करेंगे हम, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये रेडियन के अंदर कैसे दिखेगा, ये 10 अदरवाइज एक्स इज इक्वल टू 108 डिग्री इंटू 5/180। तो ये हो जाएगा 108 π/180 रेडियम। ठीक है, ये तो बात होगी इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, अब पेंटागॉन के एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा समझ लो। ये पेंटागॉन है, ठीक है, नेम एज ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब देखो मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मतलब बाहर वाला। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींच लूंगा डी के अलोंग। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है आपको ये वाला एंगल कौन सा बन गया, ये पूरा, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, जिस एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री होती है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। दैट्स व्हाई हियर एक्स। ओके, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल नाम दे दो उसको, ई डी एक्स एंगल, ई डी एक्स। ओके, बट वी नो दैट क्या पता है हमें, दी स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे कौन से दो एंगल बना के मिला के स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, सबसे पहले ई डी सी एंगल, ई डी सी, और दूसरा है ई डी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो एंगल डी है, ये तो इंटीरियर है ना, तो इंटीरियर की मेजर हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, क्या थी वो, 108 डिग्री। सो दैट्स व्हाई ई डी सी का मेजर कितना है, 108 डिग्री प्लस एंगल ई डी एक्स एज इट इज। तो ई डी एक्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। ओके, सो ये कितना बचता है, 68। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 68 डिग्री, बट हमें उसको रेडियन के अंदर भी काउंट करना है। तो क्या करो, सिंपली 68 डिग्री इंटू 5/180, तो ये क्या हो जाएगा, 68 π/180 रेडियन। ठीक है, मतलब देखो इंटीरियर एंगल एंड विद वन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो ये था रेगुलर पेंटागॉन। अब नेक्स्ट वन था हेक्सागॉन। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट वन क्या था, हेक्सागॉन। हेक्सागॉन कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना हेक्सागॉन। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स इन हेक्सागॉन कितनी आती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन हेक्सागॉन कितनी आएगी। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, क्या करना है, बस कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट फिगर बने, ये तो पेंटागॉन बन गया। पेंटागॉन की कितनी आई थी, 540, और ये तो ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो 540 प्लस 180 इक्वल टू 720 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एंड हमें एक कुल तो एक ही एंगल की निकालनी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने एंगल थे, 1 2 3 4 5 6,
दैट्स व्हाई जरा स्टेप बाय स्टेप लिखना सीख लो. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 720 डिग्री. अब ईच एंगल को अगर एक्स कंसिडर किया तो ये क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 720 डिग्री. दैट्स व्हाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 120 डिग्री. ओके आई एम सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री. अब इसको हमें रेडियन में भी काउंट करना है, तो 120 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले एक रफली यहाँ पे करके बताता हूँ. 5 by 180 ना, 0 0 कैंसल, 12 pi upon 18 रेडियन. आप इसको छोटा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसे. ये तो हो गया इंटीरियर. अब एक्सटीरियर को क्या करें, जस्ट एक एक्स्ट्रा लाइन खींच देनी आपको उसके बाहर. अभी ऐसा है ना, तो क्या करो, यहाँ से मैं सीधी लाइन खींचता हूँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई बात नहीं. देखो यहाँ से खींच देता, ठीक है. अब ये जो बना, ये क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल ना. तो जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था सेम वही करना है. ओके तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी, ये एक्स, ये डी, ई, एफ, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो क्या लिखना है यहाँ पे, वी नो दैट स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का. तो यहाँ पे कौन से दो एंगल मिला के स्ट्रेट एंगल बना रहे, आइडेंटिफाई करो. सबसे पहले बी सी डी और दूसरा क्या है, एक्स सी डी. सो दैट्स व्हाई बी सी डी प्लस एंगल एक्स सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी हमने रिसेंटली देखो ये 120 डिग्री निकाला, सी का मेजर कितना है, 120 डिग्री. तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, एज इट इज एक्स सी डी, बिकॉज ये तो एक्सटीरियर पार्ट में है, हाँ वही तो निकालना हमें ये वाला. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना बचता है, 60 डिग्री. 60 डिग्री ये तो आ गए एक्सटीरियर एंगल. तो इसको रेडियन में भी लिखना है ना, तो यहाँ पे एक रफली बता देता हूँ, 5 by 180 0 0 कट, तो क्या आ जाएगा, 6 pi upon 18 रेडियन. ओके 6 pi upon 18 रेडियन. ओके तो नेक्स्ट वन सेप्टागॉन, थर्ड वन इज सेप्टागॉन. सेप्टागॉन मीन्स व्हाट, ऐसा जिसको सात साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है. ये प्रॉपरली नहीं आया शायद, तो प्रॉपरली बनाएंगे इसको. हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है. इसको नेमिंग कर देते पहले, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट वाइज, दिस इज सी, दिस इज डी, ई, एफ, जी. ओके सात हो गए. तो फिर से एक बार, अब देखो आपने क्या आइडेंटिफाई किया मुझे पता नहीं, मतलब देखो अगर हम एक सेकेंड रेगुलरली जा रहे पेंटागॉन टू हेक्सागॉन, तो उसके अंदर बस 180 ऐड करते जाना है, मतलब जैसे 5 to 6 180 ऐड करो, 6 to 7 180 ऐड करो प्रीवियस सम के अंदर. तो यहाँ पे इसका मेजर कितना आ जाएगा रफली, पहले वाले का कितना था 720 और इसके अंदर 180 ऐड करना, तो ये कितना हो जाएगा 900. ओके सो दैट्स व्हाई ये ट्रिक ध्यान में रखो. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन सेप्टागॉन इज इक्वल टू 900 डिग्री. ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखना है आपको कौन सा एंगल है, किसी एक का ही फाइंड करना है. सो एंगल ए बी सी डी ई एफ प्लस जी इज इक्वल टू 900. तो ये टोटल कितने, सात. तो 7x इज इक्वल टू 900 इम्प्लाइज x कितना आएगा, 128.5
डिग्री, एक्स कितना आएगा 128.5 डिग्री, तो उसको रेडियन में कैसे करना है, सिंपली 128.5 इंटू पाई बाय 180, तो वैसे लिख दो 128.5 इंटू पाई बाय 180, बस रेडियन का सिंबल दे दो, तो ये हो गया इंटीरियर। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर कैसे निकालोगे, एक्सटीरियर के लिए फॉर, ये शॉर्टकट भी है, फॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 128.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 128.5, यहाँ पे बचेगा 51.5 डिग्री, ठीक है। और रेडियन में कैसे लिखोगे, सेम 51.5 पाई बाय 180, ये बहुत इजी होता है रेडियन में लिखना, बस पाई बाय 180 आगे लिख देना, हो गया सेप्टागॉन। अब बारी आती है ऑक्टागॉन, ये तो बहुत इजी है, ऑक्टागॉन की मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, ऑक्टागॉन तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, अब फास्टली बताओ सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ऑक्टागॉन कितना आएगा, लास्ट वाला 900 था ना, तो उसके अंदर 180 ऐड कर दो तो हो जाता है 1080 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेगॉन है मतलब 8 एंगल्स होंगे, सबकी सम आएगी 8x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 135, और रेडियन के अंदर 135 पाई बाय 180, इतना इजी है रेडियन में लिखना, ठीक है। बस कोई कोई बंदे होते हैं जो छोटा छोटा करते जाते हैं उसको, वो अलग लेवल का काम है, ठीक है। और लास्ट ट्रिक में मैंने एक्सटीरियर एंगल की ट्रिक क्या बताई, एक्सटीरियर एंगल की ट्रिक, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ओके, तो इंटीरियर एंगल कितना आया 135, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचता है 45 डिग्री, और रेडियन के अंदर कितना हो जाएगा 45 पाई बाय 180 रेडियन, खत्म, वेरी इजी। देखो तो आज के सेशन का लास्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 14, जो डिपेंड है क्लॉक के ऊपर, तो क्लॉक के बारे में सबसे मैं पहले बता देता हूँ, दिस इज अ क्लॉक एक्चुअली, सर्कल, सर्कुलर क्लॉक होते हैं ना बेसिकली, ऐसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर टाइमिंग 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 1, आंसर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, this is the center, okay? तो अब देखो ये क्लॉक पूरा सर्कल है, ठीक है, मतलब ये पूरा, ये 12, मतलब ये पूरा कितने डिग्री का होगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, आपको तो पता है ना, ये तो प्रोटेक्टर के शेप का हो गया, प्रोटेक्टर एक कितना होता है 180 का, दो प्रोटेक्टर मिला के 360 के हो जाएंगे, सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लिखना नहीं है बस सोचो समझो, वन रोटेशन, जब ये एंगल वन रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, क्लॉक की, तो क्लॉक में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, तो 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 ना, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे आएगा, मतलब 12 घंटे मिला के 360 डिग्री कवरेज देता है, ठीक है। तो वन आवर इज इक्वल टू हाउ मच, वन आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये सीख लो सिंपल कैलकुलेशन, वन आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो वन मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, क्या बताया था मैंने, 30/60 कर दो ना, हो जाएगा हाफ डिग्री, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आ जाएगा, हमने क्या करते थे, देखो 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर इज इक्वल टू x डिग्री, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम, दैट इज 12 आवर इज इक्वल इनटू x डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो हमें x फाइंड करना है, तो क्या करते थे 1 इनटू 360 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाता, तो 12 1 12 12 3 36 और ये 0 एज इट इज, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री,
तो वही चीज यहाँ पे हमने की, ठीक है। आगे देखो, 1 मिनट हो गया, सो बस इतना ही ध्यान में रखना है। और एक ट्रिक, जब अवर हैंड मिनट हैंड से पीछे रहे तो हमें एडिशन करनी है एंगल्स की। ये मैं बताऊंगा कि क्या होता है ये, और ये जब मिनट हैंड अवर हैंड से आगे होता है तब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। ये क्यों, ये बाद में बताऊंगा जब हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, फर्स्ट 10 past 11, 10 past 11, अभी ये कितना होता है, ठीक है। ये 12 बज गए, आई एम सॉरी, ये 12 बज गए, ये 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, ये 9, 10, 11, ठीक है। जितना लग रहा है मैं उतना ही ड्रॉ करूंगा, ज्यादा नहीं। अब देखो, 11 बजकर 10 मिनट, ये 11 पे गया अवर हैंड और ये 10 पे गया मिनट हैंड, ठीक है। 11 बजकर 10 मिनट, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एंगल निकालना है तो क्या करना है, वेरी इजी, कुछ ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, ये आवर्स है। एक आवर्स के बीच में कितना डिग्री होता है, ये 30, ये 30, ये 30, टोटल कितने हो गए, 90। बस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब देखो कैसे लिख रहा हूँ। हाँ, एंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले एंगल क्या आएगा, 11 to 12, बाद में 12 to 1, बाद में 1 to 2, ठीक है। अब हर एक के बीच में कितना एंगल है, 30 30 30, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हाँ, अब मैंने क्या बताया था, याद करो, जब अवर हैंड मिनट हैंड से आगे होगा, हाँ, अवर हैंड से मिनट हैंड आगे होगा तो एडिशन करनी है, और मिनट हैंड से अवर हैंड पीछे होगा तो सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, पहली बात देखो, जब ये 11 बजकर 10 मिनट हुआ, क्या आपको लगता है कि ये जो 11 पे जो अवर हैंड है वो 11 पे रहेगा या आगे खिसकेगा, आगे खिसकेगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा तो आगे खिसकेगा, तो हमें उतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन आप बताओगे, आप बोलोगे भाई ये कितना कैसे काउंट करें, तो
तो वेरी इजी ट्रिक इज देयर, ठीक है। ये कितने मिनट आगे बढ़ा है, 10 मिनट, ओके 10 मिनट ये इंक्रीज हुआ है ना, ये लिखना नहीं है, 10 मिनट इंक्रीज हुआ है, मैं बस आपके जानकारी के लिए। तो हमें पता है 1 डिग्री, सॉरी आई एम सॉरी, हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री, तो 10 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री, कैलकुलेट कर सकते हो, 10 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री। कैसे आया, बस 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। सो दैट्स व्हाई हमें इतना एंगल वहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हेंस 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, सो आंसर इज 85 डिग्री, ओके, वेरी इजी एक्चुअली। क्या पता चला, जब अवर हैंड से मिनट हैंड आगे हो तो सब्ट्रैक्शन करनी है, अवर हैंड से मिनट हैंड आगे हो सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। सेकंड, 20 past 7, 20 past 7, सर्कल बनाओ, ये है अपना सर्कल, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके 20 past 7 मतलब 7:20, ये अवर हैंड 7:20 मतलब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ट्रिक क्या है अपनी, कितने बजे उतने सबको लिख लो, एंगल इज इक्वल टू सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाएगा, 4 to 5, बाद में 5 to 6, बाद में 6 to 7, ठीक है, 6 to 7, सबके अंदर कितना होता है 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। अब ये एग्जैक्ट 7 पे तो नहीं रहेगा, थोड़ा तो आगे जाएगा ना, थोड़ा आगे जाएगा, सो ये एग्जैक्टली किसके बीच में होगा, जब 4 to 7 के ऊपर होगा, लेकिन ये 7 से थोड़ा आगे गया, तो कितना आगे गया, क्या करना है, बस 20 डिग्री आगे गया ना, 20 मिनट आगे गया, सो 20 into half कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री, तो हमें बस ऐड कर देना, तो फाइनल एंगल कितना आएगा, टोटल एंगल 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। जब अवर हैंड मिनट हैंड से आगे हो तो हमें एडिशन करनी है, ठीक है, और जब अवर हैंड मिनट हैंड से पीछे हो तो सब्ट्रैक्शन करनी है, सो फाइनल एंगल इज 100 डिग्री। थर्ड वन, 25 past 1, सॉरी 35 past 1, 35 past 1, ओके, सर्कल बनाओ, नाम दे दो उसे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने बजे, 35 past 1, मतलब 1:35 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले काउंट करो, ये एंगल कहाँ से कहाँ जाएगा, एंगल जाएगा 1 to 2, बाद में 2 to 3, उसके बाद 3 to 4, 4 to 5, बाद में 5 to 6, एंड देन फाइनली 6 to 7, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 30, 30, 30, 30, कितना बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, तो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अवर हैंड मिनट हैंड से अगर पीछे रहा तो एंगल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना करना है सब्ट्रैक्ट, जितना एंगल गया उतना, 35 डिग्री आगे बढ़ चुका है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 35/2,
डिग्री दैट इज 17.5 डिग्री, तो हमें 180 माइनस 17.5 करना पड़ेगा, तो टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 17.5, ओके, तो टोटल आएगा 162.5 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एंगल. नेक्स्ट वन क्वार्टर टू सिक्स, क्वार्टर टू सिक्स सर्कल बनाओ, ठीक है, नेम दे दो यहाँ पे 12, 3, 6, 5, 7, 8, 9, क्वार्टर टू सिक्स मतलब 5:45, ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, क्वार्टर टू सिक्स वेरी इजी, एंगल कितना आएगा, एंगल सबसे पहले 5 to 6, बाद में 6 to 7, बाद में 7 to 8 और बाद में 8 to 9, तो ये कितने हो जाएगा 30, 30, 30 and 30, दैट इज 3/4 120 डिग्री, ओके. अब क्या करोगे, मिनट हैंड आवर हैंड से आगे तो सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन कितना कितना करोगे, आपको क्या करना है, बस जितना एंगल गया है क्वार्टर 45 इंटू 1/2 कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 45 into 1/2 दैट इज 22.5 डिग्री, तो उतना बस सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट्स वाई टोटल एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री, आई एम सॉरी, हाँ तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 22.5 इट विल बिकम 97.5 डिग्री टोटल, ओके, इस तरह से. सेकेंड लास्ट 2:20, 2:20, 12, 1, 2, 3, 4 इतने लगने वाले, ठीक है, ये 2 बज गए और ये 20 मिनट के ऊपर है, तो ये वाला एंगल निकालना, ट्रिक क्या है, एंगल कहाँ से कहाँ जाएंगे 2 to 3 एंड 3 to 4 दैट इज 2 to 3 प्लस 3 to 4, तो कितना हो जाएगा ये 30 + 30 टोटल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है. अब मिनट एंड आवर एंड से आगे तो क्या करेंगे, एंगल को सब्ट्रैक्ट, लेकिन कितना, जितना बड़ा है उतना, 20 डिग्री बड़ा है तो 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट, 20 into 1/2 दैट इज 10 डिग्री, सो फाइनल एंगल दैट इज टोटल एंगल, एंगल्स नहीं है बस एंगल दैट इज 60 - 10 डिग्री, सो टोटल एंगल इज 50 डिग्री, इस तरह से, ठीक है. एंड द लास्ट वन ऑफ टुडे सेशन इज क्वेश्चन नंबर 6, 10:10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 10, 11, 1, 2 इतना ही लगेगा, 10:10. सबसे पहले एंगल्स, एंगल्स कितने, 10 to 11, 11 to 12, बाद में 12 to 1, बाद में 1 to 2, टोटल कितने हो जाएंगे 30, 30, 30, 30 दैट इज 120 डिग्री, ओके. और एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, व्हाई, बिकॉज आवर हैंड मिनट हैंड से पीछे है, ओके. तो कितना हो जाएगा ये 10 into 1/2 दैट इज 5 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर विल बिकम टोटल एंगल इज इक्वल टू 120 - 5 दैट इज 115 डिग्री, ओके. सो ये था पूरा अपना एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर, ओके. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. So thank you.